देखने वाले हैं वो लेसन का नाम है मेरा अहो, क्या है? मेरा अहो भाग्य, जिसके लेखक है चंद्रगुप्त विद्यालंकार, इस पाठ में चंद्रगुप्त विद्या अलंकार एक याद मतलब कुछ याद करते हैं ऐसे पल जो उन्होंने बिताए, पर वो ऐसे पल है जो बहुत ही ज्यादा कीमती है जीवन में। किनके जीवन में? लेखक के जीवन में। कौन है लेखक इस पाठ का? लेखक है चंद्रगुप्त विद्या अलंकार। ठीक है, तो पाठ शुरू करने से हम थोड़ा ये जो राइटर है बारे में थोड़ी से हम जानकारी ले लेते हैं कि एग्जैक्टली इन्होंने इसमें क्या लिखा है, ये किस प्रकार के व्यक्ति हैं, ये सारी चीजें के बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त अलंकार यह हिंदी साहित्य के लेखक है ना। इन्होंने बहुत सी ऐसी रचनाएं लिखी है। ठीक है, और इतना ही नहीं, ये हिंदी के बहुत ही ज्यादा प्रेमी है। ठीक है, कोई लोग होते हैं जिसे मराठी पसंद आता है, कोई लोग होते हैं जिसे मतलब अलग अलग भाषा पसंद आती है और उसी में वह रचना लिखते हैं। रचना यानी स्टोरी, पोयम लिखते हैं, है ना, उपन्यास लिखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें लिखने का बड़ा है और वो एक ही मतलब एक अपने चहता विषय मतलब वह लिखना पसंद करते हैं, तो उसी प्रकार से चंद्रगुप्त विद्या अलंकार हिंदी भाषा के बहुत ही ज्यादा चहेते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, उस हिंदी भाषा में जितनी भी रचनाएं उपलब्ध है वो उनका मतलब अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद उन पर जो अध्ययन करने के बाद उन्हें जो भी समझ में आता है फिर वो उनके हिसाब से लेखनी करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा अहोभाग्य इस पाठ में चंद्रगुप्त विद्या अलंकार अपने एक स्मरण के बारे में दिखाते हैं। ठीक है, अपने एक स्मरण, स्मरण मतलब कुछ ऐसी यादें, जैसे आप लोगों की भी बहुत सारी यादें होती होंगी, है ना, जब आपका स्कूल फर्स्ट डे स्कूल होता है तो कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटी होती है, कुछ ना ऐसे मतलब देखो पिछले बार ऐसा फैंसी ड्रेस था, आप लोगों को थीम दिया गया था कि आपको ये चीज बन के आना है फर्स्ट डे स्कूल अटेंड करने के लिए, तो वो सारी चीजें एक यादगार के रूप में आपके पास आज भी, क्या फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तो कैसे बन के आए थे, सेकंड में थे तो कैसे बन के आए, फिफ्थ में थे तो कैसे बन के आए थे, है ना, सिक्स में तो चलो अभी क्या है कि लॉकडाउन है तो अभी मतलब फर्स्ट डे तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो यहाँ पर बेटा जो आप लोगों ने पहले जो भी चीज आपने एंजॉयमेंट किया है फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल, ठीक है, आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है, तो यदि आपसे कोई पूछता है या फिर यदि आपको याद आता है तो आप उसके ऊपर लिखते हो, तो आप जो भी कुछ लिखते हो उस पल को याद करके वो क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। ठीक है, तो टॉपिक का मतलब जो लेखक ने लिखा है। ठीक है, अब आप पूछोगे टीचर इसमें किसे किसे याद किया है, ये हमें थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा कि इस संस्मरण में उन्होंने किसे याद किया है, है ना। अगर आपको बोला जाए कि आपको ऐसे पल याद रखने हैं, ऐसे पल को याद करना है जहाँ पे आप मतलब बहुत स्पेशल फील किए हो, बहुत अलग फील किए हो और बहुत ही खुश हुए हैं, उस पल को याद करना है, कैसे आपने वो चीज को महसूस किया, क्या वजह थी, आसपास का परिसर कैसा था, ठीक है, किसकी वजह से वो चीज आप सोचे महसूस किए, ये सारी चीज हम क्या करेंगे मतलब हम लिखते हैं किसमें? अपने यादगार दिनों को याद करके। ठीक है, तो यहाँ पे विद्या अलंकार जी भी अपने बीते हुए कल को याद करते हैं और वहां पर उन्होंने याद किया है शांति निकेतन। ठीक है, शांति निकेतन जहाँ पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी रहते थे। अब ये कौन है? ये सभी को पता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी कौन है। ये बहुत बड़े साहित्यकार है जिन्होंने हमारे भारत देश को राष्ट्रीय गान जैसे गीतों प्रदान किए, है ना, जो कि हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, गाते हैं। तो इस महान व्यक्ति को देश का हर एक वासी जानता है। ठीक है, तो जो विद्या अलंकार जी है, जो इस पाठ के जो लेखक है, उन्होंने उन्होंने एक घटना मतलब एक ऐसे घटना यादगार घटना का यहाँ पर जिक्र किया है, जब वो पहली बार वह रविंद्रनाथ गुरुदेव
टैगोर जी से मिलने के लिए शांति निकेतन गए थे तब क्या हुआ था, ठीक है, तब क्या हुआ था। तो यहाँ पर लेखक जब कोलकाता जाने के लिए, क्योंकि शांति निकेतन वहीं पर आने के लिए जैसे ही तैयार होते हैं, उनके साथ बहुत से हिंदी भाषी प्रेमी भी। अब आप बोलोगे टीचर हिंदी भाषी प्रेमी क्या नहीं कह सकता है? हाँ, जो साहित्यकार होते हैं, जो साहित्यिक चिंतन करते हैं, साहित्यकार, जैसे कि आप लोगों को ये समझना है कि उपन्यास लिखते हैं, जो छोटी छोटी कथा लिखते हैं, है ना, जिसके जिसकी बुक्स हम पढ़ते हैं, जो उसके राइटर होते हैं, राइटर किसी ना किसी के साहित्यकार को पढ़ते हैं, किसी की रचना पढ़ते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है, तो उसमें से कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, जो मार्गदर्शन करता है कैसे लिखा जाता है, किस तरह का होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीजें कहाँ पे होती है? साहित्य सम्मेलन में होती है। एक ऐसा मतलब असेंबल किया जाता है साहित्य सम्मेलन के लिए, जहाँ पे बहुत से हर एक राज्य के कवि लेखक आते हैं, रचना को सुनते हैं, कोई नए कवि नए लेखक वहां पर मतलब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, उनके द्वारा लिखी गई रचना को प्रस्तुत करते हैं। तो ये सारी चीजें होती है साहित्य सम्मेलन में। साहित्य सम्मेलन में आप लोग ये बोल सकते हो लिटरेसी असेंबली, ठीक है, जहाँ पर ये सारी चीज ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। तो लेखक को ये बात पता चलती है कि जहाँ पर हम जाने वाले हैं उसके जो मुख्य अतिथि है, गेस्ट जो है, स्वयं गुरुदेव जी है। गुरुदेव कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही आज के साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में आने वाले हैं। तो ये बात बहुत मतलब इतनी ज्यादा खुशी हो जाते हैं कि चलो आज हम लोग साक्षात्कार ये देखने वाले हैं, उनकी बात हम सुनने वाले हैं, ठीक है। तो होता क्या है, फिर वो लोग जाते हैं, जाने के बाद क्या कि उन्हें ये पता चलता है, वहां पे निवास स्थान पर पहुंच जाते हैं, शांति निकेतन पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद लेखक को पता चलता है कि गुरुदेव जी की तबियत ठीक नहीं है, ठीक है। तबियत ठीक ना होने की वजह से आज जो सम्मेलन लगने वाला था, साहित्यिक सम्मेलन लगने वाला था, वह कैंसल हो गया है। लेकिन जो दूर दूर से लेखक और कवि आए हैं, ठीक है, जो सिर्फ मात्र मिलने के लिए आए हैं, तो उन्हें सिर्फ 15 मिनट का समय मिलेगा कि वह सिर्फ गुरुदेव जी से बात कर सके, थोड़ा सा बात कर सके, बहुत ज्यादा नहीं। देखो, जब हम भी बीमार होते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा, या फिर कोई भी बीमार होता है, तो डॉक्टर सीधा मना कर देता है कि रोगियों से ज्यादा बात नहीं करना है, उन्हें पूरी तरह से रेस्ट की आवश्यकता है ना, तो कोई भी जाके उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इस तरह से पेशेंट को पूरी तरह से रेस्ट के मोड पे रख दिया जाता है ताकि वह जल्दी से रिकवर हो जाए। तो क्योंकि उम्र भी ज्यादा हो गई थी, वो बातचीत नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनकी हेल्थ और ज्यादा बिगड़ने संभावना है। तो ये सारी बातों को रखते हुए डॉक्टर सलाह देते कि सिर्फ 15 मिनट के लिए मैं अलाउ करूंगा, उसके बाद नहीं। तो यहाँ पर जो लोग आए थे, जो दूर दूर से आए थे, जैसे कि लेखक हो गए, इनके साथ बहुत ऐसे कवि होंगे, लेखक होंगे, जो भी उनके साथ आए थे, वो भी बहुत खुश हो गए कि चलो मात्र कम से कम रविन्द्रनाथ गुरुदेव जी का दर्शन तो होगा, हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य की क्या हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद जब मिलते हैं, तो मिलने के बाद बातचीत होती है, वो ऐसा मोमेंट था, वो ऐसा क्षण था जो कि लेखक अपने जीवन में कभी नहीं भुला सकता। इतनी दूर आने के बाद यह लालसा लेके कि हम स्वयं गुरुदेव जी से मिलने जा रहे हैं, उनके द्वारा लिखी गई जो रचना है, कौन सी, गीतांजलि, ऐसे काबुली वाला, ऐसी जो रचना है जो कि नोबल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किए गए ऐसे महान लेखक से मिलने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है, और वहां पे जाने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि वो कैंसल हो गया है, और उसके बाद फिर उन्हें फिर से ऐसा मैसेज आता है कि बस सिर्फ 15 मिनट का समय है कि आप सिर्फ मिल सकते हो। तो वो लेखक सोचते हैं कि इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और नहीं हो सकता कि कैंसल होते होते मुझे मात्र 15 मिनट का समय तो मिला कि मैं अपने गुरुदेव जी से मिल सका, बातचीत कर सका, ठीक है। तो इसी के आधार पर इस पाठ का नाम मेरा अहोभाग्य, मेरा सौभाग्य, इस तरह का नाम रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर छत्तीस ने मुझे शांति निकेतन जाना था
वह एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उत्साहित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग एक दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया है। यह सभी को ध्यान देना है। कब जाने का हुआ था इनका, डिसाइड कब हुआ था जाना है इनको शांति निकेतन? फरवरी 1936 में। फरवरी 1936 में मुझे मुझे कौन? चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी, जो इस पाठ के लेखक हैं, ठीक है, शांति निकेतन जाना था। वहां एक साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मतलब कहने का मतलब ये है कि वहां पर जाने का मुख्य कारण क्या था? वहां पर साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। जैसे कि स्टार्टिंग में ही टीचर ने आपको बता दिया कि साहित्यिक कार्यक्रम मतलब क्या, जहाँ पर हर एक राज्य के लेखक, कवि, साहित्यिक चिंतन, ये सभी लोग आते हैं। जो नए कवि होते हैं, जो पुराने कवि होते हैं, लेखक होते हैं, वह अपने द्वारा लिखी गई रचनाओं का परिचय करवाते हैं और बताते हैं कि एग्जैक्टली इस साहित्य में उन्होंने किस चीज का वर्णन किया है। ठीक है, समझ में आए सभी को? तो लेखक को कहाँ जाना था? निकेतन, क्योंकि वहां पर साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। लेखक खुश थे, क्यों खुश थे और उल्लसित थे? क्योंकि उस कार्यक्रम में जो अतिथि बन के आने वाले थे वो कौन थे? स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी थे। ठीक है, वही करने वाले थे। ठीक है, उसके बाद निश्चित दिन कलकत्ता से हम बहुत सारे लोग, कलकत्ता राज्य में से बहुत सारे, कम से कम एक दर्जन लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग दर्जन हिंदी वालों का यह एक दल था, मतलब ग्रुप था। हिंदी साहित्य कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए कलकत्ता से कुल 12, कम से कम 12 हिंदी साहित्य के दल वहां पर पहुंचे। कहां पे? शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में उन्हें ठहराया गया। अतिथि भवन मतलब गेस्ट हाउस, ठीक है, जहां से गेस्ट हाउस मतलब जो बाहर से कोई मेहमान आते हैं, जो गेस्ट आते हैं, उन्हें जहां पे रुकाया जाता है उसे कहते हैं अतिथि भवन, गेस्ट हाउस। ठीक है, तो वहां पर उन्हें ठहराया गया। किस तरह से, जहां पे उन्हें ठहराया गया था, इन कवियों को जहां पे उन्हें ठहराया गया था, वहां का आसपास का परिसर कैसा था? ठीक है, वो परिसर को देखकर कवि चंद्रगुप्त विद्या अलंकार जी इतने ज्यादा मोहित हो जाते हैं कि वो लीन हो जाते हैं उसकी सुंदरता को देख के। अंदर की सुंदरता कुछ और थी, बाहर की सुंदरता उससे कोई ज्यादा थी। मानो कि अगर कोई सच्चा कवि वहां पे पहुंच जाए तो वह सिर्फ परिसर देखकर ही वह रचना लिखना शुरू कर सकता था। इस तरह का वहां का एटमोस्फियर था, माहौल था। अब हम कहाँ पर? अबे अबे म्यूट नहीं होना बेटा। टीचर पाया जैसे तो ही पाया। हाँ, आगे ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत वैसा ही पाया। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त विद्या अलंकार जी पहली बार शांति निकेतन विजिट करने गए। सिर्फ बाहरी से सुना है कि ऐसा साहित्य सम्मेलन होता है, इस तरह से कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, ऐसी जगह पर होते हैं। उसकी सुंदरता के बारे में लोगों के मुख से सिर्फ मात्र सुना ही भर था, लेकिन
लेकिन आज उन्होंने जैसा उन्होंने सुना है वैसा ही आज उन्होंने इस को देखा। वो बहुत खुश थे कि जिस कमरे में उन्हें रुकाया गया वो कितना सुंदर, और अंदर से तो सुंदर है ये लेकिन बाहर का नजरिया भी देखने लायक है। ठीक है, ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। फिर यहाँ पर विस्तृत में जानकारी देते हैं कि किस तरह से उन्होंने अतिथि भवन में लेके गए, लेकिन कौन से माले में रुकाया गया, दूसरे ऊपर वाले मंजिला में। ठीक है, कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था, मतलब एक बड़ी सी बालकनी थी जहां पर खड़े होकर मतलब बाहर का नजरिया बहुत अच्छे से दिखाई देता था। बरामदे में खड़ा होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। ठीक है, सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे, इतना सुंदर वह दृश्य था। ठीक है, लेखक को बहुत पसंद आया वह जगह। उसके बाद संस्मरण में और अधिक लिखते हैं, दूसरे पैराग्राफ में बताते हैं कि दूसरे दिन प्रातः काल ही हमें बताया का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ठीक है, दूसरे दिन जब हम पहुंच गए रात में तो दूसरे दिन हमें यह बताया गया कि गुरु की स्वास्थ्य मतलब तबीयत ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया, तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा उनके डॉक्टर ने हमें हम लोगों को केवल 15 मिनट का समय दिया है जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी का ठिकाना न रहा मतलब बहुत ज्यादा वह खुश हो गए कि मात्र चलो दर्शन ही तो हो जाए और दर्शन भी मिल जाए तो ये भी हमारे लिए सौभाग्य से काम नहीं होगा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे कि अब गुरुदेव जी बाहर आएंगे और हम उनके दर्शन कर लेंगे। ठीक है, उनके दर्शन करते करते मध्यान्ह हो गया था। मध्यान्ह के मतलब दोपहर और शाम के बीच के समय को मध्यान्ह कहते हैं। मध्यान्ह के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब कितना बज गए थे, 4 बज गए थे, 4 बजे होंगे, अंडरलाइन करना है, 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे क्योंकि उन्हें बता दिया था कितने लोग आए हैं, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से उन्हें यह समझ में आया होगा कि जो लोग आए होंगे वह उन्होंने इंतजार नहीं किया होगा, वह अपने काम से वापस अपने अपने घर या अपने जगह लौट गए होंगे। तो उनकी धारणा थी मात्र जो बहुत ही ज्यादा होंगे तो मात्र 1 और 2 ही जन होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। यह किसकी राय थी, यह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की राय थी कि 2-3 से ज्यादा तो नहीं होंगे तो 15 मिनट में हम उनसे बात करके हट जाएंगे। ठीक है, पर जब उन्होंने 15 जनों को देखा तो वह एकदम खुश हो गए कि चलो मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी इन लोगों ने इंतजार किया मेरे दर्शन के लिए, मुझे सुनने के लिए यह रुके रहे। तो इससे क्या होता है कि गुरुदेव जी की तबीयत और अच्छे और ज्यादा मतलब वो ठीक होने लगते हैं। उन्हें बहुत खुशी होती है कि इतने दूर से आने के बावजूद यह मेरे लिए रुके रहे। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह ही कभी की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया, बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। तो मेरे लिए रुके रहे, मेरा इंतजार करते रहे, कल के आए हुए आज शाम के 4 बज गए फिर भी मेरे दर्शन लिए बिना ये गए नहीं। तो उन्होंने मजाक से कहा कि अब मेरी क्षमता नहीं रही दरबार लगाने की, और जहाँ पे आप लोग बैठे हो यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि मैं आप लोगों से बातचीत कर पाऊँ। ये मजाक में कहा गया, मतलब कि देखता हूँ कि इनका एक्सप्रेशन क्या होता है कि गुरुदेव जी का सच में बात करने का मूड नहीं है, ठीक है, वार्तालाप करने का नहीं है। फिर उसके बाद वो सिर्फ मजाक में करते हैं और लोगों से उनका परिचय लेना, मतलब इंट्रोडक्शन सेशन शुरू होता है, सभी लोगों का गुरुदेव जी से क्या करवाते हैं, परिचय करवाते हैं, और यहाँ से वार्तालाप शुरू हो जाता है। ठीक है बेटा, आगे रीड करो। निशान चर्चा के दौरान
गुरुदेव ने कहा, यस। आगे रीड करो बेटा। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब सबसे 50 वर्ष पहले जब मैंने कहानियां लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आध ही आदमी था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्राम कितने साल पहले, अंडरलाइन करना है, 50 बरस पहले। अब से कितने साल पहले, 50 बरस मतलब 50 साल पहले की बात है, जब उन्होंने शुरुआत में कहानी लिखना प्रारंभ मतलब शुरुआत किया था। ठीक है, इस क्षेत्र में एक आधी आदमी था। ठीक है, शांति निकेतन के आजू बाजू के परिसर के बारे में बता रहे कि इतनी आबादी नहीं थी, सिर्फ एक आदमी यहाँ पर मतलब रहा करते थे। ठीक है, इनकी प्रारंभिक जो कवि कविता का विषय था, देखो बिना विषय का आप कोई भी चीज नहीं लिख सकते, बस लिख सकते, बिना विषय का कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे गुरु कहते हैं कहानियों में किसका दर्शन होता है, ग्रामीण जीवन के, ग्रामीण जीवन उनका विषय उन्होंने भाषा की कोई भी नहीं थी जिससे ग्रामीण जीवन के दर्शन मिल सके। ठीक है, तो उन्होंने शुरू ऐसी चीजें हैं जो संसार के किसी भी देश को क्यों आ सकते हैं, तो पर ऐसा कहा गया कि हम सब उसे रचना में चित्त हो गए थे। मैंने सोचा उसकी जो संसार के किसी भी जो संसार के किसी भी मनुष्य को भा सकती है। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है इन्होंने कि अगर आप कहानी में अगर आप दुख का चित्रण करते हो, किसी के ऊपर मतलब एक दुख आ जाता है, यदि वो व्यक्ति पढ़ता है तो उसमें जो भाव उत्पन्न होंगे वो दुख के ही उत्पन्न होंगे। ऐसा नहीं कि उसको दुख आया है तो बाबा मेरे को खुशी हो रही है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, सुख दुख बुरा अच्छा समय आदि ये जो बात है, ये संसार के सभी मनुष्य में क्या है, कॉमन है, एक जैसा है। इसलिए जब इसके ऊपर आधारित जो भी रचना होती है सभी को कहीं ना कहीं ये चीज हम पर बीत चुकी है, ये चीज हम पर मतलब ये चीज हम पर होकर गई है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं मतलब गुरुदेव जी कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही होता है ना। तो यहाँ पर आपको ये बात को अंडरलाइन करनी है। काबुली वाला यह कहानी आपके कैसे आया, मतलब किस तरह से आपने इसे लिखना शुरू किया, इसे लिखने से पहले आपके मन में ऐसे कौन सी बातें आई या फिर ऐसा कौन सी चीज को आपने देखा, ऑब्जर्व किया और उसके ऊपर आपने इतनी सुंदर कहानी लिखी। काबुली वाला कौन, जो गली गली घर घर जाके चना वटाना और उसके बाद बादाम किशमिश बेचते थे। ठीक है, अगर आप गांव वगैरह में जाओगे तो लोग गांव में देखो दुकान जो होते हैं, बाजार जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो हर जगह सारी चीज मिलना संभव नहीं है, तो लोग अपने कस्टमर को बढ़ाने के लिए गांव-गांव गली गली जाकर अपने सामान को बेचते थे, है ना। छोटे मोटे टाइम पास करने के लिए जो भी चीजें होती हैं, खाने के लिए भेल हो गया, बिस्किट हो गया और छुहारा हो गया, काजू किशमिश, ये सारे चीज लेकर बेचने के लिए गली गली जाते थे। ठीक है, अभी तो आप देखोगे तो हर गली गली में आप लोगों को दुकान ही दुकान मिलेगी, तो आपको इजिली आपको वो सारी चीजें मिल जाती है। तो उस समय ऐसा नहीं था। ठीक है, उस समय ऐसा नहीं था। यहाँ पर एक बात होता है, काबुली वाला इसी तरह का एक व्यापारी होता है जो कि हर चीज बेचता है। हर चीज बेचता मतलब खाने के सामान, चादर है ना, तकिए की खोल, इस तरह से बेचने वाला एक वह व्यक्ति होता है जो हर हर गांव में जा जाके ये सारी चीज बेचता है। कुछ लोग उधारी भी लेते हैं, कुछ लोग रोकड़ा लेकर यह मतलब कुछ रोकड़ा व्यवहार करते हैं, कुछ उधारी लेकर काम चलाते हैं। तो यहाँ पर जो लेखक है गुरुदेव, जिन्होंने काबुली वाले की जो स्टोरी लिखी है, उन्होंने ये चीज को देखा कि किस तरह से उनकी लड़की, इनकी लड़की गुरुदेव जी की लड़की
वो व्यक्ति से बहुत ज्यादा आकर्षित होती है, क्योंकि खाने पीने की सामान तुरंत उसे मिल जाता है। और इतना ही नहीं, बड़े प्यार से वो बुलाती है, ओ काबुली वाले अंकल आइए, मुझे चने भुटेने दीजिए या फिर किशमिश वगैरह दे दीजिए, या फिर कुछ ऐसी स्टोरी सुनाओ कि जिससे मैं मतलब मेरा दिल बह जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे होते हैं जो कहानी सुनना बहुत पसंद करते हैं, है ना। हम भी आप भी जब कहानी सुनते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि आगे क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या होगा। सभी लोगों का कहानी सुनने में मन लगता है और सभी लोग कहानी सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की लड़की वो व्यक्ति से, वाले व्यक्ति से, वो व्यक्ति का नाम था काबुली वाला अंकल आया, काबुली वाला आया, जो जिसको चाहिए वो आके ले सकता है, खरीद सकता है। ठीक है, पर वो लड़की बहुत ज्यादा उससे, लेखक की लड़की जो है बहुत ज्यादा उससे अट्रैक्ट हो रही है और उसे हर दिन अपने घर पे बुलाती है और उसे सामान खरीदती है और खाती है। इन दोनों मतलब इतना होते तो दिन पर दिन क्या होता, दोनों में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती, क्योंकि वो उम्र में बहुत बुजुर्ग था, सामान बेचने के लिए बहुत दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक जाता था, और जिसकी वजह से उसे भी अपने परिवार की याद आती थी। और वो उस बच्ची को देखता था तो वो अपने बच्चे को उसी में ही देखता था, उसकी झलक उसको मिलती थी। तो ये लेखक गुरुदेव जी मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जी इस चीज को ऑब्जर्व किए, समझे और उसी के ऊपर उन्होंने, उसी के ऊपर काबुली वाला यह एक स्टोरी, ये टाइटल की एक स्टोरी उन्होंने लिखी। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, सभी भाषा में यह अवेलेबल है, जब आपको समय मिलेगा तो आपको पढ़ना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक चंद्रगुप्त जी पूछते हैं कि मतलब ये आपके पास आइडिया आया कैसे कि इसके ऊपर आपने स्टोरी बना दी। तो यहाँ पर गुरुदेव जी कहते हैं मुस्कुराते हुए कि भाई ये मेरी कल्पना सृष्टि पर आधारित है, कल्पना सृष्टि पर आधारित है, मैंने इसमें कुछ काल्पनिक बातों को भी जोड़ा है और एक काबुली मतलब इसकी रचना की है। समझ में आया, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद और आगे थोड़ा विस्तार रूप से बताते हुए कहते हैं कि वह हमारे यहाँ आता था, कौन आता था, काबुली वाला, काबुली वाला। अब आप लोगों को समझ में आ गया काबुली वाला कौन, जो सामान बेच रहा है, ठीक है, जो सामान बेचता है, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी तो एक छोटी लड़की होगी, है ना, जिसकी याद में वो मेरी लड़की से इतना ज्यादा अट्रैक्ट हुआ है, बात करता है और कभी कभी ऐसे मुफ्त में उसे सामान दे देता है खाने के लिए, जो कि मुझे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अभी क्या किया जाए, क्योंकि वो बुरा इंसान तो नहीं है, है ना, बुरे इंसान पहचाने जाते हैं, वो बुरा इंसान नहीं है, लेकिन उसे अपनी लड़की की याद आती है, जिसकी वजह से वो मेरी लड़की से इतने प्रेम से, इतने वात्सल्य से बात करता है ना, चीजें देता है, और अगर वो सुबह नहीं आ पाता तो शाम को आके जरूर मेरी लड़की से मिलकर जाता है। तो ये सारी चीजें वो ऑब्जर्व करता है और उसी के आधार पर वो ये बात निश्चय करता है कि उसकी भी एक लड़की होगी, जिसकी वजह से वह अपनी लड़की को याद करता है और अपनी लड़की की झलक मेरी लड़की में देखता है, इसीलिए वो इतना ज्यादा क्लोज है मेरी लड़की से। ठीक है, तो जिसकी जिसकी वह याद करता होगा। ठीक है, इस तरह से कवि रविन्द्रनाथ टैगोर बताते हैं सभी लोगों को। इसी तरह वार्तालाप होता रहा, हम सबके लिए यह एक मानसिक खाद्य था। मानसिक खाद्य यानी कि यह एक ऐसा, एक ऐसी विचार, एक ऐसी था, और हमें उसके बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। वार्तालाप होता रहा, हम सबके लिए यह एक कि किस तरह से कि मतलब यहाँ पर यदि समय कम समय मिले तो इस बात को सीरियस मत लेना, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करना में बड़ा आनंद आता है। इस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर जी वहां पे उपस्थित सभी लोगों से कहते हैं। हम सबने गुरुदेव को धन्यवाद दिया कि उन्होंने इतना कष्ट होने के बावजूद भी उन्होंने समय दिया। तो विदा लेते हुए वो फिर से अतिथि गृह
मतलब अतिथि भवन गए जहाँ पे उन्हें रुकाया गया था। मेरे कमरे में वापस आया तो गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण अनुभूति हो रही थी। ऐसी अनुभूति मतलब एक ऐसी अजीब खुशी मिल रही थी कि मानो जो चीज नहीं मिलने वाली थी वो चीज उन्हें मिल गई, इस तरह का कुछ तो फीलिंग आ रहा था लेखक को, ठीक है। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में उन्हें ठहराया गया है उनमें स्वयं जो गुरुदेव जी है काफी समय तक रह चुके हैं, और वहां पर सिर्फ रहे ही नहीं है, वहां पर नोबल गीतांजलि जो नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उसकी अधिकांश भाग भी उन्होंने वहीं पर बैठकर कंप्लीट की है। तो यह सोचकर ही मात्र वह एकदम भाव विभोर हो उठा, मतलब भाव विभोर हो उठना मतलब एकदम सोच पड़ गया कि इतनी महान रचना इस भवन में बैठकर लिखी गई और इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता, औभाग्य क्या हो सकता है। मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। आपको अंडरलाइन करना है, इस तरह से लेखक की खुशी का ठिकाना ना रहा, वो बहुत ही खुश था और वह इस याद को वो कभी नहीं भूलना चाहता था। इसकी याद में उन्होंने मेरा औभाग्य इस पाठ की रचना की, ठीक है, कंप्लीट होती है।